सज्जाद नोमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जो मुसलमानों के लिए कानून बनाती, कानून मुसलमान महिलाओं के लिए खासतौर पर, वो कहते हैं तालिबान के हौसले को सलाम। एहतेशाम हाशमी भी करेंगे तालिबान के हौसले को सलाम। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा दीपक भाई साहब, मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि आपने जितनी भी डिग्री ली है उसका इस्तेमाल करिए, लेकिन आपने ये जो नई डिग्री बीजेपी कार्यालय से ली है इसको आग लगा के फेंक दीजिए। हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कानून भारत सरकार बनाती है, संविधान बनाती है। सर, सर्टिफिकेट मत बांटिए। ट्रिपल तलाक, सबसे पहले आप अपनी लॉ की डिग्री को आग लगा के फेंकिए, फेंकिए, क्योंकि आप संविधान से उलट की बात करते हैं, आप उम्मा की बात करते हैं, आप इस्लाम की बात करते हैं, आप शरिया कानून की बात करते हैं। आप अपनी सर, वही तो आपके भाई है ना, जिनको वकार भाई जैसा आपके लोग समर्थन कर रहे हैं। कौन मेरा कैरेक्टर मुझ पर मत थोपिए। मेरे भाई तो आप, मैंने आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं बांटा, और ना मेरे पास सर्टिफिकेट बांटने की फैक्ट्री है आपकी जैसी, और ना ही मैंने अधिकार आपको दिया है। आप ही मेरे बड़े भाई हैं, मैं डिबेट में आपको भाई भाई बोल के एड्रेस करता हूँ, लेकिन अगर मेरा बड़ा भाई मोदी सरकार के तलवे चाटने लगेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए आप। सर, मैं आपके भी तलवे चाटूंगा अगर जिस दिन आप देश की बात करेंगे। मैं बिल्कुल देश की बात करता हूँ, मैं बीजेपी की और कांग्रेस के तलवे हूँ, और मैं हक की और न्याय की लड़ाई लड़ता हूँ, ठीक है। आपको मैं आज बताना चाहता हूँ कि आप जो हिंदू मुस्लिम मेरे साथ दर्शन जानते हैं, किसके तलवे चाटते हैं आप। हिंद जो होता है वो लाशों पे सरवाइव करता है, वैसे ही बीजेपी सरकार और आपका चैनल मुसलमानों की लाशों पे सरवाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने कैसे बोल दिया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए ये मुसलमानों की लाशें तालिबान वाले क्यों गिरा रहे हैं, जरा बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता है, जरा बता दीजिए ना, ये तालिबान वाले भी मेरे ही जैसे बुरे हैं, बता दीजिए, बोल दीजिए ना, तालिबान वाले मेरे जैसे ही बुरे हैं, मुसलमानों की लाशों पर सर्वाइव कर रहे हैं, बोल दीजिए जरा, ये भी बोल दीजिए। जो आरएस भाई, दीपक भाई साहब, चलिए तालिबान से लड़ाई लड़ते हैं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, मैं आपके साथ तालिबान से लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। मोदी सरकार का क्या स्टैंड है तालिबान पे, बताइए देशवासियों को। आप बोलिए अगर यहाँ पे चैनल में हिम्मत है आपको कि हिंदुस्तान की सरकार तालिबान से कोई मतलब बताइए ना, आपकी हिम्मत है तो बोलिए। ये मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं, आप बोलिए आज के, ये तालिबान शरिया कानून वाले मुसलमानों को क्यों मार रहे हैं, एहतेशाम हाशमी जी, इसका तो जवाब दीजिए ना। उम्मा का क्या हो गया, उम्मा का मुस्लिम ब्रदरहुड में भी मुसलमानों को मार रहे हैं, बताइए आप, हिंदुस्तान में ही मुसलमानों को मार रहे हैं आप, हिंदुस्तान में भी मुसलमानों को मार रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप, बताइए। आ गए अपनी वाली, मुसलमान तो पैदा ही हुआ है मरने के लिए। ये पहला झूठ बोला, ये पहला झूठ बोला, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों को, अरे चौड़े होके देश के खिलाफ बोलते हो आप नेशनल टेलीविजन पर, चौड़े होके आप मजहब के समर्थन में देश के खिलाफ बोलते हैं और बोल रहे मुसलमानों को मारा जा रहा है। सुशील पंडित जी, किस मुसलमानों को, किन मुसलमानों को मारा जा रहा है, जो मुसलमान अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ मारे जा रहे हैं उसके बारे में वकील साहब खामोश है, उसके बारे में वकील साहब खामोश है, लेकिन देश में इनको डर लगता है। बड़े मैं क्यों खामोश हूँ, मैं कंडम करता हूँ, कहीं पे भी किसी की हत्या हो रही है मैं उसका कंडम करता हूँ, मैं उस बात को गलत बोलता हूँ कि कहीं पे किसी की हत्या हो रही है। दीपक भाई साहब, अपने वर्ड सुशील पंडित जी को जवाब देने दीजिए, किसी की हत्या हो रही है वो पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम है।